सिद्धार्थनगर से बड़ी खबर, जहां सरस्वती शिशु मंदिर शोहरतगढ़ की पलटी बस में सवार कई बच्चे घायल, कुछ की हालत नाजुक है। बस में सवार थे 60 से ज्यादा बच्चे। कोहरा और ओवरलोडिंग की वजह से यह हादसा हुआ है। घायल बच्चों का शोहरतगढ़ सीएससी में इलाज चल रहा है। तो शोहरतगढ़ थाना क्षेत्र के डोली के पास की पूरी घटना आपको हम बता रहे हैं, जहां पर फिलहाल घायल बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। तस्वीर आप देख रहे हैं किस तरह से ये बस जो है वो पलटी नजर आ रही है। तो सिद्धार्थनगर से बड़ी खबर, सरस्वती शिशु मंदिर शोहरतगढ़ पलटी। और संवाददाता परवेज अहमद हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। परवेज, फिलहाल बच्चों की क्या कुछ हालत बताई जा रही, ताजा अपडेट लेना चाहेंगे हादसे को लेकर। मैं आपको बता दूं कि ये बच्चों की स्थिति अभी वहाँ पीएससी शोहरतगढ़ में इलाज चल रहा है, जिसमें एक दर्जन से ज्यादा बच्चे घायल बताए जा रहे हैं। कुल मिलाकर के देखा जाए कि जो स्थिति है अभी बच्चों को स्थानीय प्रशासन बच्चों को दवा की जल्द से जल्द मुहैया कराने में जुटा हुआ है। कुल मिलाकर के देखा जाए कि जो स्थिति अभी बस की है, स्थानीय वहाँ स्थानीय प्रशासन पहुंच चुका है, हर बच्चों की गहनकर देखभाल की जा रही है। कुल मिलाकर जो बच्चे हैं सारे बच्चे खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं। बिल्कुल प्रवेश, खतरे से बाहर यहाँ पर बताए जा रहे हैं, लेकिन जिस तरह से ये हादसा हुआ है उसके पीछे वजह कोहरा और ओवरलोडिंग जो है वो बताया जा रहा है, जिससे कहीं ना कहीं सीधे तौर पर बस चालक की तरफ लापरवाही दिखाई दे रही है। जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि कहीं ना कहीं बस चालक की लापरवाही होगा। बस चालक के साथ साथ स्थानीय स्कूल जो सरस्वती विद्या मंदिर है उसकी भी लापरवाही और दबंगई की कहा जा सकता है, जिस हिसाब से ये ओवरलोडिंग का है, जहाँ एक बस में 40 से 50 बच्चे सवार हो सकते हैं, 40 बच्चे सवार होते थे, वहाँ 60 से 70 के बीच में बच्चों को भरा गया। कहीं ना कहीं ये भी बच्चे का कारण बताई जा रही थी। बिल्कुल प्रवेश, ऐसे में पुलिस की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है, कार्रवाई कहाँ तक पहुँची है अभी इस पूरे मामले में? जी बिल्कुल, जहां तक कार्रवाई की बात की जाए, अभी तक जो पीड़ित बच्चों के परिजन है अभी अपने बच्चों में के दवा और इलाज में जुटे हुए हैं। फिलहाल अभी तहरीर की कोई बात नहीं आ रही है। पुलिस अभी आगे क्या स्थानीय प्रशासन कार्रवाई करता है ये देखने वाली। बच्चों के जो परिजन है उनकी तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है प्रवेश? जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं वो लापरवाही और बस चालक की लापरवाही की बात सामने कही जा रही है। कुल मिला जुला करके देखा जाए तो जिस हिसाब से कहीं ना कहीं स्थानीय स्कूल भी इसके लिए जिम्मेदार है, क्योंकि अगर 35 से 40 बच्चे एक बस में आ सकते हैं तो वहाँ 60 से 70 बच्चों को कैसे बस में भरा गया। जिस तरह से लापरवाही साफ तौर पर दिखाई दे रही है, स्कूल प्रबंधन से आपकी कोई बातचीत हो पाई है? उनकी तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है कि जिस बस में 40 बच्चे सवार होने चाहिए थे वहाँ पर 60 से 70 के बीच बच्चों को बसों में ठूस ठूस कर भरा गया और अब ये हादसा हुआ है, तो इस लापरवाही पर स्कूल प्रबंधन का क्या कुछ कहना? कुल मिला जुला करके अभी भी स्कूल प्रबंधन इस पूरे मामले पर चुप्पी साधे हुए है, और सबसे बड़ा सवाल है कि यह आरटीओ यहाँ का आरटीओ प्रशासन और स्थानीय प्रशासन के स्तर पे, पुलिस प्रशासन के स्तर पे क्या कार्रवाई स्कूल के खिलाफ होती है, बस चालक के खिलाफ होती है, ये सबसे बड़ा सवाल है। और उम्मीद ये की जा रही है कि इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो इस तरह की, जिससे भविष्य। चलिए प्रवेश, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए।